आपका प्रश्न है, पांच स्वरूप से याद करने का महत्व क्या है? पांच स्वरूप से याद करने का महत्व क्या है? बाबा के बच्चों को विशेष रूप से समझाया जाता है कि हम रोज़ाना अपने स्वदर्शन चक्र को चलाने के लिए पांच स्वरूपों को याद करें। ये पांचों स्वरूप हमें चढ़ती कला में ले जाने में मदद करेंगे। ये पांच स्वरूप पहले हम जान लें क्या क्या हैं। एक, इस समय वर्तमान में हमें अपना जीवन कमल पुष्प समान बना रहे हैं। इस संसार में रहते हुए संसार से न्यारे और प्यारे हैं। यह है हमारा ब्राह्मण स्वरूप। जब हम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और फिर हमें याद करना है कि अब हम जब न्यारे और प्यारे बनेंगे तो हमारा स्वरूप होगा फरिश्ता। जब तक हम न्यारे और प्यारे नहीं बनेंगे तब तक हम फरिश्ता स्वरूप में नहीं जा सकेंगे। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, फरिश्ता बने, इसी प्रकार हम आत्माओं को सूक्ष्म अवस्था में आना है। यह हमारा वर्तमान में लक्ष्य है, इसी का हमें पुरुषार्थ करना है। एक, दूसरा हमारे पास हो गया, और तीसरा हमने क्या बनना है? ज्योति स्वरूप आत्मा, जो हमारा ओरिजिनल है, बीज रूप की स्थिति में स्थित होना, अर्थात जहां संकल्प नहीं है, जहां कोई संकल्प नहीं, परम धाम में परम अवस्था को प्राप्त करना। पहले हमें इस संसार से न्यारा और प्यारा बनना है, और दूसरा हमें क्या बनना है? एकदम डेड साइलेंस, उस साइलेंस को हमें प्राप्त करना है जहां हम आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जहां हम सारे संसार की आत्माओं को जाना है। कोई भी आत्मा ऐसे नहीं कि नहीं जाएगी, हर आत्मा को परम धाम जाना ही जाना है। और उसके बाद आना है सतयुग में देवी स्वरूप में, लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण के रूप में हमें सतयुग में आना है। हम देवी देवता बनेंगे, 33 करोड़ देवी देवता चैतन्य में सतयुग में हम ही थे। और फिर हमने अपने पांचवें स्वरूप को याद करना है कि हमारे ही मंदिरों में आज तक मूर्तियां बनाकर पूजा कर रहे। आज अंतिम समय में भी हमारी कितनी इज्जत हो रही है, हमारी जड़ मूर्तियों के आगे कभी प्याज लहसुन वाला भोग नहीं लगाते, जड़ मूर्तियों के आगे कितना अदब से, इज्जत से, मान सम्मान से जाते हैं। और फिर अब हम देवता बन रहे हैं। ये स्वदर्शन चक्र है। ये पांचों स्वरूपों को याद करने से याद आता है कि मुझे पुनः पुरुषार्थ करके ये सर्वोच्च स्थान, सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना है, और उसके लिए बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलेगा। मासी का घर नहीं है, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा,
तो आप स्वयं परम पिता परमात्मा आकर हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं, हमें इस स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कैसे हमें रोजाना अपने उन कमियों को, उन बुराइयों को, उन अवगुणों को अपने जीवन से निकालना है। आओ और आकर के पुनः अपने जीवन को श्रेष्ठ बना। इसको इसलिए चलाना है ताकि हमारे अंदर उमंग, उत्साह आए। जब हमें पता लगता है कि हम ही देवता बने थे, परमात्मा के डायरेक्शन पर हम ही बनते हैं, हर कल्प हम ही बनते हैं, हर 5000 साल बाद हमें भगवान आके पढ़ाते हैं और पुनः पुनः हर कल्प हमें देवता बनाते हैं, और देवता बनने में बाधक है हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां, हमारे विकार, और हम उन पर अभी विजय प्राप्त करेंगे। ये दृढ़ता आती है जिसके कारण हम सहज रीति बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेते। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति। आपका प्रश्न है